13.4 रोग की अभिव्यक्ति लक्षणों के आधार पर। आइए रोग के विषय में और अधिक सोचें। पहले यह कि हमें कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है। हमने बहुकोशिकीय संरचना ऊतक अध्याय में पढ़ा है कि हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर के अंग तंत्रों को बनाते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। प्रत्येक अंग तंत्र में विशेष अंग होते हैं जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं, जैसे पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत होते हैं जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। पेशियों तथा अस्थियों से बना पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की गति में सहायता करता है। जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों के कार्य करने में अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। ये बदलाव या परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस या मवाद का आना, ये सभी लक्षण हैं। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता लगता है, लेकिन इनसे यह पता नहीं लग पाता कि कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए सिर दर्द का कारण आँखों का कमजोर होना, परीक्षा का भय अथवा दर्जनों विभिन्न बीमारियों में से एक हो सकता है। रोग के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ जांचें भी करवाते हैं।